नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। भूस्खलन की खबरें जब आती हैं तो हिमाचल का नाम जरूर आता है। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से सोमवार को 52 लोगों की मौत हो गई जबकि 56 लोग लापता हैं। भारी बारिश ने सोलन, शिमला और सिरमौर जिले में तबाही मचा रखी है। यहाँ 24 लोगों की मौत हो गई और कई लापता है। शिमला में शिव मंदिर पर मलबा गिर गया तो शहर के ही फागली में दिहाड़ी मजदूर करने वाले नेपाली समुदाय के लोगों पर मलबा कहर बनकर टूट पड़ा। 5 लोगों की मौत भी हो गई जबकि मलबे ने इनके घरों को तहस नहस कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला सुनील नेगी ने बताया कि घायल लोगों को IGMC में भर्ती करवा दिया गया है। समर हिल के पास हुए हादसे में अमन शर्मा, सहिसा सुईसा, संतोष किरण, संजीव ठाकुर व अमित ठाकुर की मौत भी हो गई है। फागली में सलाहुद्दीन यासीर खान, सुनीता व कमला की जान भी चली गई है। एक शव की पहचान नहीं हुई है। वहीं नवीन, दीपक, विकास, खुर्शीद मोहम्मद, निधि, ममता, सुरेश, साहिल, प्रदीप, विद्या सागर, अंकुश कुमार, राहुल, सावन, अरुण घायल हुए हैं। इनके अलावा संजौली में भूस्खलन की चपेट में आने से व्यक्ति घायल हो गया है। आपको बता दें, भट्टा खुपर व ढली सड़क में लगभग 12 वाहन दबे। शोधी आनंदपुर सड़क पर बादल फटने से खेतों को नुकसान पहुंचा है। शिमला के ढली के इंद्रनगर और ढली बाईपास में 12 से अधिक वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के नीचे दरारें भी आ गई हैं। सोमवार सुबह 6 बजे उपनगर टूट में हीरानगर के पास भूस्खलन के कारण मटौर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 3 घंटे तक बंद रहा। वहीं सोलन जिला के रामेश्वर के गांव बानली कनेटा में बारिश से एक मकान गिर गया। मलबे में दबने से 65 वर्षीय फूला देवी की मौत हो गई। पंचायत प्रधान रघुराज का कहना है कि बारिश के चलते मकान गिर जाने से यह हादसा हुआ है। परिवार के एक व्यक्ति, महिला व 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान SDM नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने कहा कि प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर 25,000 रुपए दिए गए हैं। सोलन जिले के परवाणु में चक्की मोड़ के पास कालका शिमला फोरलेन बंद। रविवार रात 10:30 बजे भूस्खलन के कारण NH बंद है। चक्की मोड़ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बंद किया गया है। देखने के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग उपायुक्त से की थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI ने सड़क पर नई दरारें देखने के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग की है। और इसके बाद उपायुक्त ने रविवार शाम बसों व बड़े वाहनों की आवाजाही सोलन से परवाणु और परवाणु से सोलन दोनों ओर से तत्काल रूप से बंद करवा दिया था। अब वहां पे बड़े वाहन नहीं आएंगे। हालांकि उस समय छोटे वाहनों की आवाजाही यहां से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन रविवार रात भूस्खलन को देखते हुए वहीं वाहनों को रोक दिया गया था क्योंकि छोटे वाहन भी घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाहन विधानसभा क्षेत्र से कैडवाला में रविवार शाम 6:30 बजे बादल फटने से 50 घरों में मलबा घुस गया और करीब 70 बीघा में लगी फसल बर्बाद हो गई। बेघर लोगों को स्कूल में शरण दी गई है। समर हिल के पास एंथली स्थित शिव मंदिर में भूस्खलन होने के कारण कालका शिमला रेल मार्ग हवा में लटक गया है। यहां 20 से 30 मीटर रेल लाइन हवा में लटक रही है और ये सिर्फ बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।